जब हम बोले लेने को तभी ले लिए होते। हेलो गाइस, इस समय रास्ता भटक चुके हैं। कहाँ रास्ता भटके हो? गूगल मैप होने के बावजूद ही रास्ता भटक चुके हैं। गूगल की वजह से रास्ता भटक गया। गूगल लीड्स को हम लोग घूम रहे थे, ये भेलूपुर आ गए, वहीं हम लोग का आना भी था। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सपोर्ट अस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक, आज हम लोग सब लोग जा रहे हैं घूमने बनारस। बनारस का ट्रिप नाप रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ दोस्त लोग और जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे साथ ये सारे दोस्त लोग जा रहे हैं और एक दोस्त का वापस से वैसे ही इंतज़ार कर रहे हैं जो लेट होता है हमेशा की तरीके से। आप जान सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये लड़का आ गया है लेट, लतीफ हमेशा की तरीके से। भाई स्वागत है, ना ही आए होते, हम लोग का प्लान कैंसिल हो रहा था। वेट कर रहे हैं, लेट कर दिए तुम लोग। चार पड़ाका मारेंगे ना। लेट हो गए यार। कैसे लेट हो गए? हमें पता था तुम क्या कर रहे थे। कैसे लेट हो गए बता? मेरे को इतना जानना होगा, मेरे को टाइम बताया करो, एक घंटा वो करके बताया करो। क्यों बताया करे भाई, जब बोला गया 9 बजे और अभी क्या हो रहा है। 7:50 पे फोन किए थे कि नहीं भाई? स्कूटी एक तो वो मीटर नहीं काम कर रहा है और पता ही नहीं कितने भाग रही है, 80 के ऊपर भाग रहे। 240 क्रॉस कर गई होगी। तुम पहले ये बताओ गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं। तुम कॉल किए थे कि नहीं? हेलो गाइस, गाड़ी में फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी गाड़ी फिर से बन रही है। कुछ लाइट की दिक्कत है, रिले वगैरह चेंज हो रहा है और हम लोग अभी यहीं खड़े हैं। देवेश भाई, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, चक्कर देना पड़ गया, तो पता नहीं गाड़ी में क्या करवाना पड़ेगा। हो गया क्या? गाड़ी हुई फिर से खराब, गाड़ी हुई सड़क पे खराब। अभी लोग सामने तो गाइस, इस समय हम लोग बनारस आ चुके हैं और ज्ञान को कुछ सामान लेना था, तो हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं और यहाँ बहुत जाम है। और अब सबसे पहले इसके बाद जाएंगे थोड़ा खाना वाना खाने, क्योंकि सबको भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। सुबह से निकले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, इस समय 1 बज रहा है, तो अब हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो गाइस देखिए, ये कैसे पापड़ी चाट खा रहा है। ऐसा कौन खाता है भाई? भाई ये क्या खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसको पापड़ी चाट बोलते हैं यार, ये बनारस का क्या बोलते हैं इसको? पापड़ी चाट नहीं है, ये वो है ना बाटी, बाटी हाँ बाटी है, चना बाटी, चना बाटी पापड़ी, चना पापड़ी और रसा भी है भाई इसमें, मसाला भी जिना तो वही मिलती पड़ी है। ये अच्छू ही तो है ये बनारस की स्वीट हाउस, ये बहुत चलती है। अब ये हम लोग आगे लंका मतलब बीएचयू के आगे। ओहो, जलेबी मिर्ची समोसा, क्या खाना है गाइस? अरे भाई ये देखिए, देख रहे हैं हर्ष पाली मिर्ची, बहुत पुरानी और इनकी सबसे पुरानी दुकान है। ये बात तो है। कितना खाओगे तुम लोग? थैंक्स भाई थैंक्स। कौन समोसा वाला है? समोसा गाइस, तो अभी ये सब टेस्ट तो करो ना, उसके बाद पूरा खा के बताओ कैसा है। कैसा है? पिछली बार था, वैसे बार भी अच्छा है, बढ़िया है। चाची जी की दुकान है, बहुत पुरानी। ओके, लास्ट टाइम भी तो हम लोग यहीं से खाए थे। हाँ, तब कचौड़ी आज लेट हो गया ना। ओके, कैसा है ज्ञान? हाल भाई, भाई एक नंबर, कश्मीर तो लाजवाब। 3 बार बोली थी, यूं टर्न ले लो। एक बार लिए एक ही बार हो तुम, 2 बार कर रहे हो। जब हम बोले लेने को तभी ले लिए होते। हेलो गाइस, इस समय रास्ता भटक चुके हैं। कहाँ रास्ता भटके हो? गूगल मैप होने के बावजूद ही रास्ता भटक चुके हैं। गूगल की वजह से रास्ता भटक गया। हम लोग जो है गूगल लीड्स को अपडेट, हम लोग घूम रहे थे, ये भेलूपुर आ गए, वहीं हम लोग का आना भी था। अबे प्रिंस, यहाँ हम लोग पिछली बार गाड़ी खड़ी किए थे। आप बताओ आगे बताओ। सीधा प्रिंस, यही गाड़ी खड़ी किए थे। सीधा सीधा, ये ज्ञान बता रहा ना। अगर गलत हुआ है चाचा, अंकल जी 10 समेत ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी नहीं, सर जी बोल रहा था।
तो गाइस इस समय हम लोग दशाश्वमेध घाट की साइड निकल रहे हैं पैदल। यहाँ बहुत ही भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं, पर जगह बहुत ही अच्छी है। किसका इंतजार कर रहे हो? ज्ञान आ गया। ज्ञान तो आगे है ना, होएगा नहीं। चलो चलो। हेलो गाइस, ये दिल्ली का दिल्ली चौक, ये दिल्ली का चांदनी चौक, लेकिन बनारस का चांदनी चौक बनारस का चांदनी चौक यहाँ आप शॉपिंग करने आ सकते, बहुत अच्छी है। हेलो गाइस, तो इस समय हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा घाट दशाश्वमेध घाट है। हम लोग जा रहे हैं नीचे और आरती देखने, आरती देखने अभी हो कुछ दिन बाद। आरती में तो भी टाइम है ना, आओ चलो चले। तो गाइस इस समय हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, बेहतरीन नज़ारा। गाइस तो आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ही होगी आरती और अभी उसके लिए टाइम है शाम का 6-6:30 बजे के आसपास। तो अभी हम लोग इधर उधर कहीं आसपास घूमेंगे और घाट घूमेंगे, पैदल घूमेंगे या बोट से घूमेंगे वो देखते हैं, और उसके बाद वापस 6 बजे हम लोग यहाँ पे आरती में आएंगे। गाइस तो अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ की लाइट जो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जल रही है। देवेश, यहाँ की लाइट कैसी लग रही है? धीरे धीरे जल रही है, बहुत अच्छी लग रही है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे लाइट जल रही है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्रूज, शायद यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ किसी में किसी का बर्थडे पार्टी चल रही हुई है, बर्थडे मना रहे हैं लोग। क्या नज़ारा होगा वहाँ से यहाँ देखने का। अभी तो थोड़ी ही लाइट जली हुई है लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अंधेरा होने का हम लोग वेट कर रहे हैं ताकि वो अच्छा मोमेंट आप लोग के लिए कैप्चर कर सकें। गाइस तो थोड़ी भीड़ बढ़ चुकी है और लाइट आप देख सकते हैं, क्या बात। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ आरती की तैयारी शुरू हो गई है और भीड़ भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर होगी आरती, हमने एक स्पॉट ले रखा है ताकि यहाँ से हम थोड़ा अच्छा कैप्चर कर पाएँ। और आप देख सकते हैं लाइट कितनी सुंदर है और यहाँ पे देखिए थोड़ी व्यवस्था है, लोग यहाँ बोट पे बैठ के जाते हैं और वहाँ सामने से देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रहा है इस समय।